टकरा लेने के लिए। बैट्समैन नेम, नाम क्या बैट्समैन का, लगाओ बैट्समैन नेम फहद। बल्लेबाज फहद हसन की जगह लेने के लिए पहुंचते हुए स्कोर 10 रन। पहले ओवर का दूसरे ओवर का गेम जारी है, एक विकेट के नुकसान पर आजाद नागाओ। अब सामना करेंगे साहिल की गेंद का, राइट आर्म ऑफ विकेट साहिल। गेंद को खेला जरूर है, गेंद हवा में, फील्डर्स के बीच है, अच्छी कैच फील्डर द्वारा, दूसरा विकेट, लगातार दो विकेट यहां पर लिए दो गेंदों पर साहिल ने, साहिल ऑन हैट्रिक। दस रन के स्कोर पर दो विकेट गवाती हुई आजाद नागाव, दूसरी ओवर का गेम जारी है। बैट्समैन नेम प्लीज, फैसल ट्रम्प विकेट के खिलाड़ी है, काफी सारी उम्मीदें नागाव को। साहिल तैयार अपने बॉलिंग मार पर, हैट्रिक पर है साहिल, देखना है हैट्रिक ले पाते या नहीं। और ये हैट्रिक ले चुके हैं साहिल, तीसरा लगातार ये विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी और तारीफ करनी होगी कीपर मुनीब की, जबरदस्त कैच रिजर्व की गई है यहां पर मुनीब द्वारा, और ये हैट्रिक पूरी हो चुकी है साहिल के, वेरी गुड बॉलिंग बाय साहिल, टेकिंग द हैट्रिक। फैसल बगैर कोई रन बनाया अपने पवेलियन में वापस होते हुए, नए बल्लेबाज का नाम प्लीज, बैट्समैन नेम मुजीर। नए बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड पर, तीन गेंदों पर तीन विकेट लिए हैं साहिल ने, काश के इनके भाई अहमद यहां पर होते, काफी खुश होते इस बात पर। साहिल राइट आर्म ऑफ विकेट फिर से एक बार, अच्छी गेंद थी, खेला जरूर इस गेंद को, अच्छी फील्डिंग यहां पर मुख्तार द्वारा, एक रन, इसे एक रन से बढ़ता है स्कोर 11 रन। बेहतरीन शॉट, आरे बल्ले से खेला हुआ, कोई मौका नहीं, छह रन के लिए गेम बाउंड्री लाइन के बाहर, इंश्योरेंस के साथ स्कोर पे क्या है 17 रन, 17 लॉस ऑफ 3 विकेट्स आजाद नागाव आफ्टर 2 ओवर्स। दो ओवर के खात्मे पर 17 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर आजाद नागाव, बेहतरीन शॉट रहा। न्यू बॉलर नेम अरमान, नए गेंदबाज है, तीसरी ओवर लेकर आते हैं वेस्ट इंडीज की जानिब से, जबकि दो ओवर के खात्मे पर स्कोर है 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आजाद नागाओ। पटकी हुई गेंद ऑप्शन के लक्षण के काफी बाहर, रन आउट होने का खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, वाइड प्लस वन, दो रन आए हैं, इंडियंस के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन, 19 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ओवर नंबर 3, तीसरी ओवर का गेम जारी। अरमान फिर से एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेन करेंगे अफजल के लिए, टॉस गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए, खेला जरूर है, एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट,
दो रन लिए बल्लेबाजी दो रन इंदौर इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन स्कोर 21 21 लॉस ऑफ 3 विकेट्स ओवर नंबर 3 तीसरी ओवर का गेम जारी है अरमान फिर से एक बार बॉलर फिसल चुके हैं उम्मीद है कुछ नहीं हुआ होगा यंग है तो कुछ होना थोड़ा कुछ नहीं हुआ बॉलर फिर एक बार अपने बॉलिंग मार पर शायद फिसला नहीं हुआ पर कुछ मट्टी वगैरह होगी लेकिन अपने आप को संभालते हुए फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़ते हुए स्कोर 21 रन स्कोर 21 तीसरी ओवर का गेंद जारी अफजल अब सामना करेंगे अरमान की गेंद का राइट हैंड ऑफ विकेट अरमान गेंद करेंगे अफजल के लिए टॉस खेला इस गेंद को और अजमल समझ नहीं पाए गेम को फील न कर पाए चार रनों के लिए इसलिए कहते हैं बॉल पे जाओ टप्पे का इंतजार नहीं करना चाहिए ग्राउंड की खराबी की वजह से गेंद टप्पा खा के दूसरी तरफ निकल गई चार रनों के लिए इन चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन 25 खराब गेंद अरमान की पूरा फायदा उठाया है 6 रनों के लिए स्कोर 31 31 रन स्कोर 31 काफी खराब गेंद इस गेंद पर अगर किसी बच्चे को भी यहां पर बैठ लेके खराब किया जाए तो 6 हो सकता है और पूरा फायदा उठाया है अब जल्दी इस गेंद को छेड़ने के लिए भेज कर 31 स्कोर 31 31 रन दो गेंद आनी बाकी इस ओवर की चौथी ओवर में चौथी ओवर 14 रन लास्ट और एक शॉट शानदार और दमदार छह रन के लिए गेंद मोनी लाइन के बाहर काफी महंगी ओवर आखिरी गेंद इस ओवर की काफी महंगी ओवर अरमान की रनों को लुटाते हुए यहां पर अरमान काफी खराब गेंदबाजी कही जा सकती है शॉर्ट पिच गेंद करते हुए फर्स्ट पास और एक सिक्स ये जो अरमान जो है बल्लेबाज को कहते हुए कि ले तू मार मैं देता हूं बॉल को कुछ इस तरह की गेंदबाजी खराब गेंदबाजी काफी महंगी ओवर इसके साथ ये ओवर का खात्मा हुआ है इस चार ओवर हो गया ना अब मनी बातें हुए आखिरी ओवर लेकर स्कोर अब तक का है 43-43 रन अजमल मुनीब की जगह संभालने के लिए कीपिंग में आए हैं देखना है किस तरह की कीपिंग होती है अजमल द्वारा मुनीब आखिरी ओवर लेकर इस इनिंग की राइट हैंड ऑफ विकेट मुनीब गेंद करेंगे जीर के लिए अच्छी गेंद डॉट बॉल डॉट बॉल स्कोर वही रुका हुआ 43 लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस
loss of 3 wickets Azad Nagao. Muneeb फिर से एक बार राइट आर्म ऑफ विकेट गेन करेंगे नजीर के लिए. यूं तो खेला है गेंद हवा में फील्डर्स के नीचे बकरी को डरते हुए शेर आता तो क्या होता, हत्या की कैच हो सकती थी. एक रन लिया गया इसे एक साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 44 44 रन. आखिरी 3 गेंदें आनी बाकी इस इनिंग की. 44 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
run, 45 runs. मुनीब के हाथों में गेंद, मुनीब अपने बॉलिंग मार्ग पर धीमे धीमे कदमों से बढ़ते हुए सामना करने के लिए तैयार है। और ये विकेट, काफी अच्छी गेंद और इतनी अच्छी कैच अजमल द्वारा, चौथा विकेट गिरता हुआ, स्कोर 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 45 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आजाद नागाव, लास्ट ओवर पर व्यस्त, आखिरी आखिरी दो गेंद आने बाकी से निकली, काफी शानदार बल्लेबाजी रही वर्ल्ड बॉय। अच्छी बल्लेबाजी की है बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए। दो गेंद आने बाकी है, देखना है दो गेंदे मुनीब किस तरह निकाल पाते हैं, क्योंकि इससे पहली ओवर काफी महंगी ओवर रही, काफी जबरदस्त शॉट, रोकने के लिए कोई मौका नहीं, गेंद अपने रास्ते निकली है 4 रनों के लिए, 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जो है 49 रन, आखिरी गेंद है कैफ, अच्छी शुरुआत की अपनी इनिंग की चौके के साथ, ये हवा में है फील्डर मुख्तार इसके नीचे आसान सी कैच, इसी के साथ ये पांचवा विकेट गिरा है, 49 द स्कोर बाय नागाव, टारगेट इज 50 टू विन दिस मैच फॉर जशवली, 50 रन बनाने होंगे जीत के लिए जशवली को। पचास रन का टारगेट दिया गया है जशवली को आजाद नागाव की जानिब से।
पहले बल्लेबाजी करते हुए नागांव ने 49 रन बनाए, 50 रन का टारगेट दिया है जसवली को। अब देखने अपने बैट्समैन जसवली की जानिब से कौन से बल्लेबाज जाते हुए। मुनीब और मुख्तार ओपनर बल्लेबाज इस वक्त ग्राउंड पर जाते हुए जसवली की जानिब से 50 रन बनाने होगी जीत के लिए। और दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाज है, अच्छे हार्ड हिटर दोनों के कंधों पर इस वक्त जसवली की जिम्मेदारी है और बखूबी निजाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। साहिल जिन्होंने इस मैच में हैट्रिक ली, काश के उनके भाई अहमद यहां पर होते काफी खुश होते तो कुछ नोटों की बरसात भी हो सकती थी, लेकिन क्या करें। स्ट्राइक पर मुनीब, नॉन स्ट्राइक पर मुख्तार। फिफ्टी द टारगेट टू विन दिस मैच फॉर जसवली। नागांव आउट टू फिनिश द इनिंग 49, द टारगेट इज 50, 50 रन बनाने होंगे। मुनीब हम पास से गार्ड देते हुए हसन, अच्छी गेंद समझ भी उसकी खेला हुआ शॉट, अच्छा शॉट, फील्डर मिस कर गए और गलती करके 4 रन दे चुके हैं। गलती की कोई माफी नहीं ग्राउंड पर। 4 रन के साथ इस वक्त जसवली का खाता खुलता हुआ, मुनीब का अपना खाता खुलता हुआ, स्कोर है 4 रन। पहली ओवर का गेम जारी है, हसन पहली ओवर करते हुए नागांव की जानिब से। एक मजे हुए खिलाड़ी है मुनीब, बॉल के मेरिट पे खेलते हुए और खेलना होगा। बल्लेबाज जो अच्छा बल्लेबाज होता है बॉल के मेरिट पे खेलता है और जैसे बॉल आए उसी अंदाज में शॉट खेलना चाहिए। ये शॉट और सीधे फील्डर को थमा गए हैं मुनीब। एक बड़ा विकेट यहां पर मुनीब के रूप में जसवली लगाती हुई, पहला विकेट 4 रन के स्कोर पर गवाती हुई जसवली। मुनीब ने घुटना टेक के शॉट जरूर खेला था लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची। नमन वन डाउन बैट्समैन मुनीब भी जगह लेने के लिए पहुंचते हुए 4 रन एक विकेट के नुकसान पर जसवली। संभल के खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को, जसवली को जीत दिलानी होगी रहे तो 50 रन का टारगेट है। 4 रन और एक विकेट जसवली यहां पर गवा चुकी है, एक बड़ा विकेट मुनीब के रूप में जा चुका है। हसन फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर, नए बल्लेबाज नोमान के लिए। अच्छा शॉट, एक अलग अंदाज का शॉट था, एक रन जरूर मिला है इसे। एक रन साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन एक विकेट के नुकसान पर। 5 लॉस ऑफ 1 विकेट ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस जसवली। हसन फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज मुख्तार। बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, फील्डर इसके नीचे आते हुए लेकिन नहीं, फील्डर के ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए।
बेहतरीन शॉट मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ इंश्योरेंस के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन। स्कोर 11 रन, पहली ओवर का गेम जारी है। बेहतरीन शॉट मुख्तार का, समझ के खेलना होगा मुख्तार को अगर जशोली को जीत दिलानी है तो। हसन फिर से एक बार, अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद खेलना चाहा मुख्तार ने लेकिन नाकाम रहे। ओवर का खात्मा हुआ है, पहली ओवर के खात्मे पर स्कोर है 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर जशवली। आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर 11, लॉस ऑफ 1 विकेट जशवली। एक आवाज जो है इस वक्त हम सुन सकते थे वो है अश्मीर, इस टीम की जान है। नेम बोलो, नेम फैसल, ओके फहद, थैंक यू। अच्छी गेंद, समझ दूर के साथ खेलते हुए यहाँ पर 9 रन, 8 रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन, स्कोर 12। दूसरी ओवर का गेम जारी, फिर से एक बार मुख्तार इस वक्त सामना करेंगे फहद की गेंद का। फहद दूसरी ओवर अपनी टीम की जानिब से करते हुए, पूरा फायदा था मुख्तार को, गेंद 34 गेंद 6 रनों के लिए। मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा सिक्स इंश्योरेंस के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन, स्कोर 18, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर नंबर सेकंड, दूसरी ओवर का गेम जारी है। मुख्तार को अपना विकेट बचा के खेलना होगा, समझ बूझ के खेलना होगा अगर मैच जीत दशवर को जीतनी हो तो, क्योंकि एक बड़ा विकेट मुनीत के रूप में यहां पर वापस हो चुका है पवेलियन में। फहद फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार लंबा आउट लगाने की कोशिश, खेला जरूर है 1 रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, स्कोर 19, 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर जशवली। दूसरी ओवर का गेम जारी है, फहद अपने बॉलिंग मार्ग पर धीमे धीमे कदमों से बढ़ते हुए नमान के लिए, नमान खेलने के लिए तैयार फहद की गेंदों को। बेहतरीन और कड़क शॉट, दमदार और शानदार शॉट नमान के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए। इंश्योरेंस के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, स्कोर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट जशवली। ओवर नंबर सेकंड, दूसरी ओवर का गेम जारी है, आखिरी गेम दूसरी ओवर लेकर, दूसरी ओवर के आखिरी गेम फहद लेकर तैयार नमान के लिए 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। पटकी हुई गेंद, पूरा अच्छी रनिंग मेरे बंदे के और अच्छी फील्डिंग, वाकई अपनी टीम के लिए अगर देखा जाए तो 4 रन बचाए हैं फील्डर ने, तारीफ करनी होगी फील्डर की भी। स्कोर पहुंचा है 27, 27 रन। अच्छी ओवर रही जशवली के लिए ये दूसरी ओवर, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट जशवली। दोनों बल्लेबाजों को संभल के खेलना होगा तीसरी ओवर लेकर, देखना है कौन से गेंदबाज आते हुए। अफजल, अफजल ने एक अफजल गेंदबाजी की दी, अब गेंदबाजी पर तीसरी ओवर लेकर अपनी टीम की जानिब से मुख्तार के सामने स्कोर 27 रन।
जो टारगेट है 50 रन 50 रन बनाना होगा जीत के लिए गश्वली को। पूरा फायदा उठाते हुए 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ इंश्योरेंस के साथ स्कोर पहुंचा है 33-33 रन 33 लॉस ऑफ वन विकेट। ओवर नंबर 3 तीसरी ओवर का गेम जारी है। मुख्तार इस वक्त जारहाना बल्लेबाजी करते हुए संभल के खेलना होगा मुख्तार को अगर जशोरी को यह मैच जीतनी है तो। पहला विकेट काफी जल्दी गिरा था उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभाला अपने टीम के उसी पारी को। अफजल फिर से एक बार मुख्तार के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑप्शन के बाहर गेंद वाइट बॉल का शॉट अंपायर का स्कोर 34 रन 34। लॉस ऑफ वन विकेट जशवली। ओवर नंबर 3 तीसरी ओवर का गेम जारी है। फिर से एक बार अफजल अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे मुख्तार के लिए। आवाज जो हमने सुनी है काफी जबरदस्त आवाज थी बल्ले और बॉल के बीच की जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए इंश्योरेंस के साथ स्कोर में इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 10 रनों की जरूरत है बाकी बच्ची गेंदों में 8 गेंदे और 10 रन। मुख्तार वाकई एक 8 गेंदों में 10 रन। अब जशवली के खेमे में थोड़ी सी मुस्कुराहट हम देख सकते हैं चाहे अजमल हो या फिर साहिल हो मुस्कुराहट काफी और ये सीधे हाथों में थमाया है मुख्तार ने कैच दूसरा विकेट गिरता हुआ लेकिन अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाया है करीब पहुंचाया है। अब मिदलान ये जशवली का टेंडुलकर है हाइट कम कहते हैं मूर्ति लखन कीर्ति महान देखना है ये मिधान के लिए सेट होता है या नहीं क्योंकि मिधान को काफी कम हमने देखा है खेलते हुए। मिधान वेरी वेल प्लेयर मुख्तार जबरदस्त बल्लेबाजी सात गेंदे और 10 रनों की जरूरत दोनों ही बल्लेबाज इस बात को नोट कर ले टीम को जिताना है तो 10 रन बनाने होंगे 7 गेंदों में। जिस तरह की मुख्तार ने बल्लेबाजी की अपनी टीम को जीत के करीब लाके छोड़ा है खेला है एक रन चाबुक शॉट था एक रन से साथ बढ़ता हुआ स्कोर जो है अब तक का 41 रन 41 6 गेंदे और 9 रन। ममान ओवर के आखिरी गेंद लेकर अफजल शॉट और ये 6 रन फ्लाइट 6 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इंश्योरेंस के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 47 रन 3 रन के लिए 5 गेंदे और 3 रन जीत के लिए जशवली को 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत रिक्वायर्ड 3 in 5 बॉल्स। पांच गेंदे 3 रन जशवली को जीत के लिए अब सामना करने के लिए तैयार हो गए मिधान बॉलर नेम प्लीज बॉलर का नाम क्या है वसीम हुसैन मोहसिन चलो तीनों में से एक नाम मोहसिन निकला आया है मोहसिन
आखिरी ओवर लेकर जिसका सामना करने के लिए तैयार है मिध्यान। तीन रनों की जरूरत है, पांच गेंदों में तीन रन बनाने होंगे अगर जशोरी को यह मैच जीतना है तो। और ये बेहतरीन शॉट, इसी के साथ ये मैच जशवली ने जीता है। जबरदस्त बल्लेबाजी मुख्तार की, उसके बाद फिर नौमान और मिध्यान ने भी अभी आखिरी गेंद पर सिक्स लगाया। जशवली इसी के साथ ये मैच जीत चुकी है। मोबिन मॉल यहां पर टॉस के लिए तैयार है अगले मैच के लिए।